हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब आईटीआई के छात्रों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों, मैं यहाँ पर डीआरडीओ की ऑफिशियल पेज पर हूँ और दोस्तों मैं यहाँ पर सितंबर 11 न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जितने भी साथी यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा के हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को फुल वॉच करना। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, अगर आप लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, वैकेंसीज, एग्ज़ाम रिजल्ट अपडेट, तो दोस्तों यहाँ पर आप इस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि दोस्तों यह लिंक आपके लिए ही बनाया गया है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ले चलूँगा, आपको इशारा दिखाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाऊँगा सितंबर 11 की तैयारी के लिए। दोस्तों आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसके ऑफिशियल पेज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इसकी मैं ऑफिशियल पेज पर हूँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। थोड़ा दोस्तों आप नीचे आएंगे, आने के बाद दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ व्हाट्स न्यू, दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे। यहाँ पर देखिए मैसेज बोर्ड में है डीआरडीओ रिक्रूटमेंट सितंबर नोटिस बोर्ड, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे डीआरडीओ रिक्रूटमेंट सितंबर नोटिस बोर्ड। चलिए दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इस पर क्लिक करने के बाद कहाँ होता क्या होता है। तो दोस्तों हमने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये रिडायरेक्ट कर दिया किसी अलग पेज पर, सितंबर एडवर्टीजमेंट पे। और दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर ये सितंबर का जो वेबसाइट्स है ना, जहाँ पर सारे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए हेल्प डेस्क नंबर है, इस हेल्प नंबर से आप पता कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये वर्किंग दोस्तों 9 से लेकर 5:30 बजे तक आप आराम से इसमें कॉल कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, इस नंबर से आप पता भी कर सकते हैं वैकेंसी कब आ रही है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, देखिए एडवर्टीजमेंट जो है ना सेप्टम टीम का पुराना वाला है, यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा नया वाला, ठीक है। तो नया वाला शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर थोड़ा सा और नीचे आएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर दिखेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ 11 पोस्ट ऑफ एडमिन स्टाफ ऑफ प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और फॉर डीआरडीओ लैब्स हैदराबाद, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वैकेंसी ये जाहिर करता है दोस्तों यहाँ पर कि 100% आपकी जो है ना ये वैकेंसी आने वाली है। यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एनी एक्सटर्नल वेबसाइट, क्लिक हियर टू यस, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो वेबसाइट्स हैं ना, यहाँ पर ये ऑनलाइन लॉगिन रजिस्टर सब कुछ यहाँ पर ओपन हो चुका है, ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, ठीक है, खुल चुका है। तो यहाँ से आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और किस पोस्ट के लिए था ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ठीक है, किस पोस्ट के लिए था, चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये पोस्ट था स्टाफ, एडमिन स्टाफ, ठीक है, ये पोस्ट था दोस्तों यहाँ पर एडमिन स्टाफ। और इसके बाद है डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड क्योर 10 रेजर फॉर टेंटर बेसिस एंगेजमेंट 11 पोस्ट। दोस्तों इसका जो है ना नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएगा, आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन कम्प्लीटली, देखिए, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये भारत, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, ये ओपन हो रहा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, वेट करना जरा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है नोटिफिकेशन, ठीक है। क्लोजिंग डेट 15 दिसंबर 2023 है। और दोस्तों यहाँ पर ये कहीं ना कहीं सेप्टम की जो वैकेंसी है ना, ये देखिए यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एडवर्टीजमेंट नंबर दिख लिया सेप्टम PBM 2023 और टेंटर बेस्ड इंगेजमेंट के लिए दोस्तों बात किया गया है। और इसमें दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसमें मांगा गया है BA BCOM BSc, ठीक है, पर मंथ RS 59,276 रुपये इसमें सैलरी होगी, मिनिमम 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन मटेरियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस डिवीज़न। इसमें मास्टर्स डिग्री मांगा है, वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है। वैकेंसी जो दोस्तों यहाँ पर एक जनरल की है बस, और कुछ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के हम यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बता दें कि जो ये वैकेंसीज है ना आना शुरू हुआ है सितंबर का, ये 101% दोस्तों यहाँ पर सितंबर 11 की वैकेंसी आने वाली है, आना शुरू हो चुकी है वैकेंसी, और बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर मैंने दिया था वहाँ पर, फिर से मैं आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिखा दूँगा और वहाँ से आपको आराम से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। चलिए मैं दिखाता हूँ बैक चल करके, वहाँ से इस नंबर से आप कॉल करके ना आराम से आप पता कर सकते हैं कि वैकेंसी कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं वहीं पर आ चुका हूँ डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सभी नंबर हैं,
ठीक है, तो इन पे कॉल करिए, इस नंबर पे कॉल करिए 011 डायल करके इसको डायल करना, फिर ये अगर ना लगे 32 पे, ना लगे 33 पे, फिर 34 पे, लास्ट का 2 डिजिट चेंज करके, तो कहीं नहीं लग जाएगा। आप पूछ सकते हैं वैकेंसीज को लेकर के, या फिर दोस्तों मैं यहाँ पर RTA डाल दूंगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा वैकेंसी कितनी है, कब तक आने का चांसेस है। बट इतना जान लो आप लोग 100% यहाँ पर सेप्टेम्बर की वैकेंसी आ रही है, ठीक है।